हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास क्लास अपॉन में। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्हेनियस समीकरण, जो कि क्लास 12th में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आर्हेनियस समीकरण में क्या होता है कि संक्रियण ऊर्जा, परम ताप और वेग स्थिरांक का एक संबंध आर्हेनियस ने दिया, जो कि के समानुपाती होता है ई की पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी के। ठीक है, के समानुपाती ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी के। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक, ई ए संक्रियण ऊर्जा, आर परम ताप और टी जो है टेम्परेचर है। ठीक है, तो समानुपाती को जब मैं हटाऊंगा तो के बराबर आ जाएगा एक नियतांक, क्या हो जाएगा, ए, और ई की पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ln लेने पर, ठीक है, लघुगणक है वो लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एल एन के एल एन ए डॉट ई की पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एल एन ये दोनों गुणा में है, तो ये हो जाएगा प्लस एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए, एल एन ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, तो जब पावर में होता है तो वो आ जाता है सामने, तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये हो जाएगा तुम्हारा एल एन ई। तो एल एन ई जो है वो होता है एक। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा, देखिए, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एल एन जो है बराबर होता है 2.303 लॉग के बराबर होता है, तो यहाँ रख देते हैं, क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग के, 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, इस 2.303 का तिर्यक गुणा कराऊंगा मैं, तो लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए, और सॉरी यहाँ पे ना माइनस ई ए अपॉन आर टी, और पूरे के बटे में आ जाएगा 2.303। ठीक है, फिर 2.303 इसके भी बटे में आएगा और इसके बटे में भी जाएगा। तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, थोड़ा डिटेल में बनाते हैं। तो लॉग के इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, 2.303 लॉग ए बटे 2.303, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसल हो जाएगा और आपको मिलेगा लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये है आर्हेनियस के समीकरण के का एक व्यंजक। ठीक है, इसको आलेखी विधि भी बोलते हैं। ठीक है, आलेखी विधि। तो इसके लिए हम एक क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लॉग के इसको मैं पहले लिखूंगा ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये टी को मैं अलग से लिख रहा हूँ, प्लस मैं लिख रहा हूँ लॉग ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब वाई के जगह मैं ले रहा हूँ लॉग के, एम तुम्हारा ये हो जाएगा, एक्स जो है 1/t, और ये अंतःखंड क्या हो जाएगा, लॉग ए। तो जब मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, ग्राफ मैं यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष, ये वाला हो जाएगा हमारा वाई अक्ष। अब देखिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष में देखिए, एक्स मैंने क्या लिया है, 1/t, तो 1/t के सापेक्ष, और वाई मैंने क्या लिया हुआ है, लॉग के को लेते हुए जब मैं ग्राफ खींचूंगा तो मुझे देखिए इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, और इस तरीके से जो एक रेखा हमको मिलेगी ग्राफ के अंतर्गत, तो उसमें जो ढाल है, ठीक है ना, ये ढाल होता है, ये ढाल जो है हमको मिल रहा है, देखिए, m बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये ढाल है और अंतःखंड। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, यहाँ पे ढाल m बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और अंतःखंड आपका सी होता है, जो कि क्या हो जाएगा, लॉग ए। तो इस तरीके से ये है आपका पहला विधि। अब देखिए, एक विधि और है जहाँ पे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के लिए दो अलग अलग तापों पर अलग अलग दर स्थिरांक की सहायता से हम लोग आर्हेनियस समीकरण
को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिटा लेते हैं और लिखते हैं आरहीन या समीकरण की दूसरी विधि। इसी में हम कंप्लीट आपको बता देते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए, तो दूसरी विधि, दूसरी विधि, तो देखिए दूसरी विधि में क्या करेंगे हम लोग, लेके चलेंगे मान लो ताप T1 व T2 व वेग स्थिरांक। ताप T1 पर क्या होगा, K1, और T2 पर K2 हो, तो आर्हेनियस के समीकरण से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लॉग K1, और ये हो जाएगा आपका लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T1। ठीक है, फिर ताप T2 पर क्या हो जाएगा, दर स्थिरांक K2 लॉग ए माइनस ई ए 2.303 R T2। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण एक और इसको मानेंगे क्या, समीकरण दो। अब क्या करेंगे, समीकरण दो ऋण समीकरण एक से, यानी कि समीकरण दो में एक को घटाने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग K2 माइनस लॉग K1, यहाँ से देखिए लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T2, और इसमें घटाएंगे हम लोग इसको लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T1 को। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा पूरा ब्रैकेट रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस ई ए बटे में 2.303 R T2, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ए, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई ए बटे 2.303 R T1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल होगा, यहाँ पे देखिए भाग माइनस है तो भाग का नियम लगेगा, कैसे, ये चले जाएगा आपका लॉग K2 बटे K1। ठीक है, तो इसी को आगे लेके चलेंगे लॉग K2 बटे में K1, यहाँ पे देखिए इस प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ ई ए 2.303 R T1 माइनस ई ए बटे 2.303 R T2। अब इसमें देखिए जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल देंगे, जैसे कि ई ए 2.303 R, तो ये है ई ए बटे में 2.303 R को मैंने बाहर निकाला, तो 1 बटे T1, ये है T2। ठीक है, और इधर हो जाएगा लॉग K2 बटे K1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुना इधर, इसका गुना इधर, और नीचे में दोनों का गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमको मिल जाएगा लॉग K2 बटे K1 ई ए 2.303 R T1 माइनस T2। ठीक है, यहाँ पे अच्छा सॉरी, ये वन पहले आ जा रहा है, T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये T2 इधर आएगा और T1 बाद में आ रहा है, और ये दोनों का गुना T1 T2। ठीक है, T1 T2 या T2 T1 कर सकते हो, इसको 2 कर दो और 1 को ऐसे रख दो। ठीक है, और ये है जब दो अलग अलग तापों पर दर स्थिरांक अलग अलग हो, तब आर्हेनियस के समीकरण को इस तरीके से हम लोग बदल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं लेखनी विधि, जहाँ तक मुझे याद है इसको लेखनी विधि कहा जाता है, और कोई विधि हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इसका नाम अगर कुछ और आपको पता चलता हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से आर्हेनियस के समीकरण को मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, दोनों विधियों को, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे देखिए जितना हो सके शेयर कीजिए, और कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।